डियर स्टूडेंट्स, टुडे मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 36 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 2 में आपके पास प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए और प्रीवियस वर्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ और वर्कशीट डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, वैसे कुछ और एग्जांपल्स करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ और आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाए उसके लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ रिकॉल करने के लिए कहा गया है कि आपके पास एक आइडेंटिटी थी जो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखी, वो क्या थी? वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको आप रीराइट कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगेन यदि उसको और फर्दर लिखना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इनकेस यदि आप कोस स्क्वायर को लेफ्ट में रखें और साइन को राइट में ले जाएं तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ आपके पास ये यदि इसको कोस स्क्वायर को स्क्वायर रूट में करें तो कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्रीवियस नॉलेज है, साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है और कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए होता है। अब यहाँ पर ये रिजल्ट्स कहाँ से आए? ये दो रिजल्ट और हैं जो आपको अब यहाँ पर करने पड़ेंगे, जिनको आगे भी आपको करना है। तो फर्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट ये आए कैसे, कहाँ से आए, आप इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपको यहाँ एक आइडेंटिटी करके समझाई गई है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यदि आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक नया रिजल्ट मिलता है, और यदि साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो दूसरा रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ यदि आप इसको इस रिजल्ट को आप यदि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को कोस से डिवाइड करते हैं तो एज इसको इस तरह से लिख सकते हो, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन अपॉन कोस जो होता है वो 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर थीटा और ये कटने के बाद 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कोस को आप सेक लिख सकते हो, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है। और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ क्या आएगा, ये तो 1 आएगा और ये कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। इसके बेस पे आप यहाँ बहुत सारे रिजल्ट मैंने लिखे हैं, आप इनको अकॉर्डिंग टू नीड चेंज करके यूज करेंगे आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। आपको फिर एग्जांपल दिए गए हैं कुछ के, इनको आप यूज करें, और यहाँ पर आपके एग्जांपल्स एज ए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जिनको आपको करना है इन एग्जाम्पल्स के बेस पर इनको समझ करके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यदि आप लेते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया गया एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आप राइट साइड प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड को यूज कर लें और फिर राइट साइड को लाने के लिए आपको स्टेप टू स्टेप काम करना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप क्या वर्क करेंगे कि हमें कोशिश करनी होगी कि राइट साइड हमें मिल जाए। तो ये कॉस से सेक में कैसे कन्वर्ट होगा, इस कॉस को सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि सेक है हमारे पास 1 अपॉन कॉस है तो कॉस ये क्या होगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा। यदि आप इसको यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा लिख देंगे, 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा इस तरह लिख देंगे तो, और इसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो आएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। अब ये sec थीटा आपके पास sec थीटा कैंसिल होगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा sec थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। अब इसमें फिर यहाँ क्या करना है कि ये आपको ये रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है
sec थीटा प्लस वन में sec थीटा माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे एज दिस। यदि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो आपके पास जो टर्म्स थी वो a प्लस बी और a माइनस बी से हुआ, तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये हो जाएगा sec थीटा माइनस वन और फुल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल लिखा हुआ है, tan स्क्वायर के, तो यहाँ आप tan स्क्वायर लिख सकते हो और ये आपका रिजल्ट जो होगा वो आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस वन और फुल स्क्वायर और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। ये आपके पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था, अब आप सेकंड एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह से कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल में कहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 प्लस कोट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो सेकंड एग्जाम्पल में मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए गिवन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है, sec स्क्वायर है। तो यदि हम यहाँ पर इसको sec स्क्वायर ए पुट कर दें तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है, वो sec स्क्वायर है, तो आप उसको sec स्क्वायर यूज कर देंगे cos sec। अब आपके पास cos sec किसके इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन साइन के, और sec किसके इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन cos के, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये sec ऊपर जाके साइन में कन्वर्ट हो जाएगा एज sin स्क्वायर है और ये sec नीचे आएगा तो ये cos स्क्वायर में होगा और sin अपॉन cos tan होता है तो ये tan स्क्वायर a होगा और ये ही आपके पास राइट हैंड साइड है। आपके पास हमने एग्जांपल्स दिए दोनों, हमने इनको सॉल्व किया, आगे भी समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री ले। एग्जाम्पल नंबर थ्री में देखते हैं तो उसमें क्या है, कोसेक के प्लस कॉट ए इक्वल टू वन अपॉन कोसेक के माइनस कॉट ए। एग्जाम्पल में आपने कहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और राइट साइड प्रूफ कर दो, तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड लेकर के राइट प्रूफ करें, राइट को लेकर भी लेफ्ट को प्रूफ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। अभी हम लेफ्ट से राइट करना चाहते हैं तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखना होगा एज दिस और क्या करेंगे कि यहाँ आप इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो यदि मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए इंटू कॉट ए में आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट से कोसेक ए माइनस कॉट ए और ये डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो अभी देखेंगे कि न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी की कोई आइडेंटिटी होती है जिसके बेस पर आप लिख सकते हो cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन में cos sec a माइनस cot a। बट आपके पास ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो आप न्यूमरेटर में यदि इसको 1 लिखते हो तो नीचे आपके पास cos sec a माइनस cot a आ जाएगा और यही आपकी राइट हैंड साइड। इसके रिवर्स यदि आप राइट हैंड साइड लेके इसको करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हो कि 1 अपॉन cos है a माइनस cot a है आपके पास, तो क्या करें इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ये न्यूमरेटर में आपके पास आएगा cos k प्लस cot a और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos k माइनस cot a इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर में है उसी से डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना है और आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर को एज इट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या होगा cos a माइनस b और a प्लस b होगा, मतलब cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर और फर्दर वापस देखिए कि ये आपके पास cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1, तो क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे cos sec a प्लस cot a अपॉन 1 आल्सो cos sec a प्लस cot a और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से किसी से भी लिख करके इसको प्रूफ किया
आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लेफ्ट पार्ट लें या राइट लें, तभी होगा। लेफ्ट राइट से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आइडेंटिटी को आप किसी भी पार्ट साइड से लेके प्रूफ कर सकते हो। हाँ, आपके पास जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन पर पूछते हैं, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए सारे। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स में कहा है कि इफ़ यू हैव द sec स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट इज वैल्यू इज इक्वल टू वन, मतलब sec स्क्वायर थीटा में क्या माइनस करें जो वन आता है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज और आइडेंटिटी थी उसमें था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यदि ये tan स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट कर दे तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या करें जो वन आ जाए, यहाँ पर आपके पास है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट को वही वन के साथ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यदि आप देखेंगे तो ये टर्म्स आपके पास ऑलरेडी पहले फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन के कहा है कि प्रूव सेक थीटा इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो यहाँ पर यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये sec थीटा इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ आप sec थीटा ले रहे हैं और यहाँ रूट के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, sec थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और sec थीटा इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा होता है वन, और ये आपके पास हो गया राइट हैंड साइड वन। नेक्स्ट थर्ड जो एग्जाम क्वेश्चन है उसमें क्या है, इवेलुएट दिस टू इन फॉर्म ऑफ टर्म tan थीटा। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ आप tan स्क्वायर थीटा को यदि कॉमन लेते हो तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आया tan स्क्वायर थीटा, बट ये रिजल्ट होता है वन, तो आपके पास रिजल्ट आएगा tan स्क्वायर थीटा, और यही आपका आंसर होगा इन फॉर्म ऑफ tan। आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें क्या है कि इफ x इज इक्वल टू p sec थीटा q tan थीटा एंड y इज इक्वल टू p tan थीटा और q sec थीटा, देन प्रूव दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, एंड माइनस वाई की वैल्यू है पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सटेंड कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो आपके पास पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर आएगा टू पी क्यू टेन थीटा एंड सेक थीटा। ये माइनस में है और इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर यहाँ क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर आपके पास यहाँ प्लस में 2p q tan theta and sec theta है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास नई टर्म्स क्या आएगी p square sec square theta plus q square tan square theta plus 2p q tan theta sec theta। मैं इसको माइनस की फॉर्म में लिखूं तो ये माइनस आएगा p square tan स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और माइनस टू पी क्यू टेन थीटा एंड sec थीटा। आप देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया, सेम था। अब जो बाकी रिमेनिंग बचा आपके पास उसको देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ देखो पी स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें यहाँ से तो क्या मिलेगा, यहाँ आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्यू कॉमन ले लें क्यू स्क्वायर तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर को मान लेंगे तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आप देखेंगे यहाँ पर वन होता है, लेकिन सेकंड स्टेप पे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है तो वो माइनस वन हो जाएगा,
तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इंटू वन और यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। आप इनको सभी को कर लेंगे और अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे।